मोहन तिवारी और आज हम आ गए हैं आंबा ग्राम पंचायत में, जहां सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ये टूटी हुई नाली। हम आपको दिखा रहे हैं ये नाली है और यहां से वहां तक एक ईंट नहीं पाएंगे, सारी ईंट गायब है। यहां तक कि इस साइड में नाली बनी हुई है, आगे नाली नहीं है। आप देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनको बीमारी का खतरा है नहीं है, बड़ी बीमारी का खतरा है। इसी गंदगी से मच्छर पनपते हैं, खुली नालियों से मच्छर पनपते हैं, वही जहरीले मच्छर जब इनको काटते हैं तो कौन कौन सी बीमारी होती है ये आप भी जान सकते हैं। ये आपको एक ही जगह का मामला नहीं है, पूरा आंबा ग्राम पंचायत में ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी नाली खराब है और इसके खराब होने के कारण ग्रामीणों का जो जीवन यापन है वो काफी दयनीय है। यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, जानकारी ये आंबा के ग्रामीण है जिनसे हम बात करेंगे। दादा, ये जो नाली खुला पड़ी है कितने सालों से? ज्यादा दिन से ये। कितने साल हो गए? प्रधान जो भूटान है वो प्रधान से पहले करीब दसियों साल हो गए। ग्राम प्रधान से कहे, ग्राम प्रधान सुनता नहीं? सुनता है, नहीं सुना था, बिल्कुल कोई काम नहीं। अगर ना कोई रास्ता है, ना कोई नाली है और ना कोई खड़ंजा है। अच्छा, तो ये नाली अगर बन जाए तो आप लोग को सुगमता हो जाएगी? काहे ना हो, जब पानी का निकास मिल जाएगा, पानी घर में भरेगा नहीं, पानी बाहर हो जाएगा तो हम लोग को कौन दिक्कत है। अच्छा, इस नाली से बीमारियां भी फैलती हैं, तो क्या कभी इसमें छिड़काव उड़काव हुआ? कोई छिड़काव नहीं होता, कोई छिड़काव नहीं, थरुआ लगाए देते हैं तो इधर रोड के ऊपर टहला निकाल फेंक देते हैं, उसके बाद चौथे पर जाए ठलिया ले जाके कहूँ ढेर कहते हैं। अच्छा, इसका निवारण क्या है? अभी का भैया नाली बनवावा जाए, इसकी सफाई करवावा जाए तो ये निवारण हो जाएगा, तो करवाएगा भैया। ये देखिए नाली खुला पड़ी है और दादा बता रहे हैं ग्राम प्रधान इनकी नहीं सुन रहे हैं। ग्राम प्रधान जी एक बार इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो नाली खुला है इनसे आपका भी परिवार परेशान हो सकता है, बीमार हो सकता है। भैया प्रधान से जब कहा तो कहा था होगा 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 होगा, 10 साल हो गए अभी कुछ भाई भाई नहीं किया। नहीं, प्रधान कराते ही नहीं, कराते नहीं। ये देखिए प्रधान इकरार अंसारी की ये आलम है कि नाली की साफ सफाई तो छोड़ दीजिए, बनवा तक नहीं रहे। कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है आंबा न्याय पंचायत पर। हम आपको दिखा देंगे, देखिए अगर यहाँ पर नाली बन जाती, अगर यहाँ पर नाली बन जाती तो आदमियों को नाली बन जाता, ढक्कन लग जाता तो सीधे इसमें आ जाती, और ये नाली बन जाती तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं, एक से एक घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो ना करना पड़ता। ये आंबा ग्राम पंचायत में है। अच्छा जी, जरा आगे आइए और ये देखिए नाली, देखिए खुला पड़ी है और सामने ग्रामीणों का घर है, ये ग्रामीणों का सामने घर है और नाली, ये देखिए घर में नाली घुस रही है, घर में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन इस पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत दावत दे रही है ग्राम पंचायत आंबा की नालियां, अगर हम आपको ये दिखा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ नाली होगी, नहीं नाली नहीं है, सिर्फ गड्ढा खोद करके पानी निकास का एक साधन बनाया गया है। और ये जो रोड है, इस रोड से अगर कहीं ना कहीं जरा सा डिसबैलेंस हुआ और गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला अगर इसमें पलट गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आसपास खेलते हैं, इनके जो कीटाणु हैं, इनके जो विषाणु हैं, इनकी जो हानिकारक गैसें इसमें से रिलीज होती हैं वो इन सबको नुकसान पहुँचा रही हैं। कहीं ना कहीं बड़ा साफ सफाई को लेकर एक बड़ा विषय है यहाँ ग्राम पंचायत आंबा में। लीजिए ये एक रास्ता है जहाँ से ग्रामीण अपने घर जा रहे हैं और सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये ग्रामीण है, हमको रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता देखेंगे। दादा कहाँ चल रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं, जब बारिश होती है तो हम लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, घर में घुटे रहते हैं, ना नाली है और ना कोई रास्ता है हम लोगों का। अच्छा, नाली और रास्ता हो जाए तो आप लोगों का सुगमता हो जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए दादा बता रहे हैं कि ना नाली है और ना ही रास्ता है, अगर इस पर इंटरलॉकिंग लग जाए और नाली हो जाए तो बरसात के सीजन में जो यहाँ के रहने वाले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हैं उनको सुगमता हो जाएगी। बड़ा विषय हमारे सामने आ रहा है, बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है न्याय पंचायत आंबा से। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से कई बार कहे लेकिन ग्राम प्रधान सुन नहीं रहे, एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। और ये देखिए सामने एक स्थान भी है, देव स्थान भी बनाया गया है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो ये लबालब चहले से भर जाता है, कीचड़ से भर जाता है, इस पे निकलने का कोई साधन नहीं रह जाता है।
और ये देखिए इधर भी कई सैकड़ों परिवार रहते हैं जो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। युवा है हमारे साथ में, युवाओं से हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, लियाकत। कहाँ के रहने वाले? यहाँ का। क्या समस्या है? ये समस्या कीचड़ के है बरसात में और पानी ही भरता है, सब तो निकलने आने जाने में बहुत घर में पानी भर जाता है, पानी का निकाल नहीं है। बाबू कितनी उम्र होगी तुम्हारी? बाबू कितने तुम कब से देख रहे हो ये हालत? यहाँ करीबन वही 10-12 साल से ऐसे ही है। तो आप लोग क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? बस यहीं पर रोड बन जाए, नाली वाली बन जाए। नाली नहीं है तो आप लोग पढ़ाई करते हैं? अच्छा, तो पढ़ने जाते हैं तो बरसात के सीजन में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए युवा हैं जो कि यहाँ पर जी रहे हैं बेचारे मजबूरी में, जब बरसात का सीजन आता है तो ये पढ़ने कहाँ से जाते हैं? यहीं से घर है। सामने सामने इनका घर है, यहीं से जाते हैं। बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है यहाँ जो हमारे सामने आ रहा है। एक बार नहीं, कई बार हम ये खबर दिखा चुके हैं, लेकिन किसी के कान में चू नहीं जाग रहा, किसी को ग्रामीणों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी जो समस्या है वो दादा बताएंगे। हम कह रहे हैं तो लोगों को लगेगा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों से हम बात करेंगे। दादा ये जो है समस्या कितने साल है? ये करीब 1500 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए। हम तो जब से मतलब यही देखे थे, यही पोजीशन देखे थे। सब कहो काम हो प्रधान करिए, लेकिन ये गली प्रधान काम नहीं करत है। यहाँ क्यों नहीं करते हैं? अब न जाने कहा नहीं करत है, जबकि ऑटो दिए थे, सपोर्टो करिए थे, तब वो नहीं करते। नहीं करते।